आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आइए जानते हैं तीज के अनुष्ठान और रीति रिवाज। तीज के त्योहार में कई तरह के रीति रिवाज और रीति रिवाज होते हैं, जो उन क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं जहां इसे मनाया जाता है। तीज के दौरान मनाए जाने वाले कुछ सबसे आम रीति रिवाजों में सबसे पहले जानते हैं उपवास के बारे में। तीज का मुख्य पहलू उपवास है, खास तौर पर हरतालिका तीज के दौरान। विवाहित महिलाएं और कभी कभी अविवाहित महिलाएं अच्छे पति की चाहत में निर्जला व्रत नामक कठोर व्रत रखती है, जिसमें वे 24 घंटे तक भोजन और पानी से दूर रहती है। माना जाता है कि यह व्रत सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए देवी पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। इसके उपरांत झूले और गीत संगीत के बारे में जानिए। तीज के दौरान पैरों पर लटके खूबसूरत सजे झूलों पर झूलना एक पारंपरिक गतिविधि है। महिलाएं बगीचों या आंगन में इकट्ठा होती है, झूलों को फूलों से सजाती है और लोकगीत गाते हुए बारी बारी से झूलती है। ये गीत अक्सर उनकी खुशियाँ, दुख और उम्मीदें व्यक्त करते हैं, जिससे एक जीवंत और सहायक माहौल बनता है। इस दौरान महिलाएं मेहंदी लगाती है और सजती संवरती है। तीज के दौरान हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाना एक लोकप्रिय रिवाज है। महिलाएं अपने हाथों को जटिल डिजाइनों से सजाती है, जो सुंदरता और उत्सव का प्रतीक है। नए कपड़े पहनना, खास तौर पर लाल, हरे और पीले रंग के कपड़े पहनना भी एक आम प्रथा है। विवाहित महिलाएं अक्सर अपने ससुराल वालों द्वारा उपहार में दी गई दुल्हन की पोशाक या साड़ियां पहनती है। अब जानिए प्रार्थना और पूजा के बारे में। तीज के दौरान महिलाएं देवी पार्वती का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए विशेष प्रार्थना और पूजा करती है। वे पार्वती और शिव की मिट्टी की मूर्तियां बनाती है, उन्हें फूलों और गहनों से सजाती है और फल, मिठाई और अन्य चीजें चढ़ाती है। पूजा अक्सर समूहों में की जाती है, जिससे समुदाय और साहा भक्ति की भावना को बढ़ावा मिलता है। पारंपरिक दावतें भी इसका अभिन्न हिस्सा रही है। तीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपवास है, लेकिन उपवास तोड़ने के बाद दावत खाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पारंपरिक व्यंजन जैसे घेवर, मीठा व्यंजन, खीर, चावल का हलवा और विभिन्न प्रकार की पूरियां, तली हुई रोटी तैयार की जाती है और उनका आनंद लिया जाता है। भोजन का सामूहिक आदान प्रदान परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। तीज उत्सव क्षेत्रीय विविधताओं से भरा हुआ है। तीज को विभिन्न क्षेत्रीय रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है, जो भारत और नेपाल की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान में यह उत्सव कैसे मनाया जाता है। राजस्थान में तीज एक भव्य उत्सव है, जिसमें जीवंत जुलूस, पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन शामिल होते हैं। पार्वती की मूर्तियों को सड़कों पर भव्य जुलूस के रूप में ले जाया जाता है, साथ में सजेदजे हाथी, ऊंट और घोड़े होते हैं। महिलाएं अपने बेहतरीन पारंपरिक परिधान पहनती है और बड़े उत्साह के साथ उत्सव में भाग लेती है। पंजाब और हरियाणा में तीज गायन, नृत्य और झूला झूलने के साथ मनाई जाती है। महिलाएं समूहों में इकट्ठा होकर पारंपरिक तीज गीत गाती है, गिद्दा एक पारंपरिक नृत्य करती है और फूलों से सजे झूलों का आनंद लेती है। यह त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए अपने मायके जाने और अपने माता पिता से उपहार प्राप्त करने का भी अवसर है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कजरी तीज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए व्रत और प्रार्थना करती है। वे कजरी गीत भी गाती है, जो मधुर लोक गीत है, जो मानसून के मौसम में महिलाओं की भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करते हैं। नेपाल में तीज एक प्रमुख त्योहार है, जिसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं लाल साड़ी और गहने पहनती है, अपने पति की भलाई के लिए व्रत रखती है
और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती है। आधुनिक समय में तीज के बारे में आपको बताते हैं कि तीज का पारंपरिक स्वरूप तो बरकरार है, लेकिन इसे मनाने का तरीका समय के साथ बदल गया है, खासकर शहरी इलाकों में। आधुनिक उत्सवों में अक्सर समकालीन तत्वों को शामिल किया जाता है, जबकि त्योहार की जड़ों के प्रति सच्चे रहते हैं। अनेक जगहों पर सामुदायिक कार्यक्रम भी होते हैं। कई शहरी समुदाय सार्वजनिक पार्कों या सामुदायिक केंद्रों में बड़े पैमाने पर तीज कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रदर्शन, फैशन शो और सर्वश्रेष्ठ पोशाक या सर्वश्रेष्ठ मेहंदी डिजाइन जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। ऐसे समारोह लोगों को एक साथ आने, अपनी विरासत का जश्न मनाने और सामुदायिक बंधनों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल समारोह का वर्तमान में बोलबाला है। डिजिटल युग में तीज समारोहों में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाएं अपने परिधानों, मेहंदी के डिजाइन और त्योहार की तैयारियों की तस्वीरें इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर साझा करती हैं। ऑनलाइन पूजा और समूह वीडियो कॉल सहित वर्चुअल समारोह लोकप्रिय हो गए हैं, खासकर दूर दूर रहने वाले परिवारों में। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ कई लोग पर्यावरण के अनुकूल तीज उत्सव मनाना पसंद कर रहे हैं। इसमें प्राकृतिक मेहंदी का उपयोग, बायोडिग्रेडेबल सजावट और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना शामिल है। इस तरह की प्रथाएं यह सुनिश्चित करती है कि उत्सव न केवल आनंदमय हो बल्कि टिकाऊ भी हो। तीज एक त्योहार मात्र नहीं है, इसका गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। तीज महिलाओं को खुद को अभिव्यक्त करने, अपने अनुभव साझा करने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह त्योहार बहनचारे और समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। महिलाओं को एक साथ आने और अपनी पहचान का जश्न मनाने के लिए सशक्त बनाता है। अनुष्ठानों, गीतों और नृत्यों के माध्यम से तीज सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह त्योहार अतीत और वर्तमान के बीच एक जीवंत कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय और नेपाली संस्कृति की समृद्ध विरासत को जीवित रखता है। तीज परिवारों के एक साथ आने और जश्न मनाने का अवसर है। यह पति पत्नी, माता पिता और बच्चों और विस्तारित परिवार के सदस्यों के बीच के बंधन को मजबूत करता है। साझा अनुष्ठान और उत्सव स्थायी यादें बनाते हैं और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करते हैं। हरतालिका तीज एक ऐसा त्योहार है जो पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाने का काम करता है। यह त्योहार महिलाओं को एक साथ लाने और सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। हरतालिका तीज का भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव है। अगर आप भगवान शंकर एवं माता पार्वती की आराधना करते हैं और अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, माल्यताओं, धर्मग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। हरतालिका तीज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार पतिव्रता धर्म और पति पत्नी के बीच प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु,
अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की तरक्की और प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इस साल हरतालिका तीज में काफी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस पर्व को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। हरतालिका तीज मनाने की यह मानी गई है वजह। हरतालिका तीज व्रत को विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए करती है। वहीं कुवारी लड़कियां मनचाहे वर और जल्द विवाह के लिए व्रत करती है। इस दिन शिव जी और माँ पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। जानिए कब है हरतालिका तीज 2024। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से आरंभ होगी, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज 2024 मुहूर्त जानिए। हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। हरतालिक तीज पर ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक। हरतालिका तीज के लिए पूजा सामग्री के बारे में जानिए। इसके लिए एक शिवलिंग जो कि मिट्टी या धातु का लिया जा सकता है। भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति भी श्रेयस्कर है। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी और पानी मिलाकर बनाएं। बेल पत्र जरूर रखें, इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। फूलों में धतूरा, बेल, मोगरा आदि का उपयोग करें। आम के पत्ते, केले के पत्ते, बेल के पत्ते, शमी के पत्ते और फूल। कलश, चौकी जरूर रखें। तिलक लगाने के लिए चंदन रखें। घी का दीपक, अगरबत्ती या धूप, नैवेद्य में फल, मिठाई आदि पान, बाती व कपूर, सुपारी, साबुत नारियल और चंदन एवं फल में केले। माता पार्वती के लिए सिंदूर, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, काजल, कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और लाल चुलरी आदि। हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज की पूजा विधि बहुत ही विस्तृत होती है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती है और व्रत का संकल्प लेती है। इसके बाद वे भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित करती है और उन्हें विभिन्न प्रकार के फूल, फल और मिठाइयों से भोग लगाती है। पूजा के दौरान वे भगवान शिव और माता पार्वती की कथाएं सुनती है और भजन गाती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए निर्जला व्रत रखती है। हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग एक चौकी पर स्थापित करें। शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक करें। शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति को सजाएं। माता पार्वती का 16 श्रृंगार करें। दीपक जलाएं, धूप दे और नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जापह ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः आदि मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुने। हरतालिका तीज का महत्व जानिए। हरतालिका तीज का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह त्योहार पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाने के लिए मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। यह त्योहार सुख, समृद्धि और लंबे जीवन का प्रतीक माना जाता है।
मान्यता है कि माता पार्वती ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय किया था। उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर गुप्त रूप से शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा की थी, इसीलिए इस पर्व को हरतालिका तीज कहा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह त्योहार सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है और कुंवारी कन्याओं के लिए यह त्योहार मनचाहा वर पाने का एक अवसर है। यह त्योहार धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर्व पर महिलाएं एक साथ आती है और आपस में प्रेम बताती है। हरतालिका तीज का पर्व महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक माना जाता है। हरतालिका तीज के दौरान क्या किया जाता है? हरतालिका तीज के दौरान महिलाएं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेती है। इन कार्यक्रमों में मेहंदी लगाना, झूले झूलना, गीत गाना और नृत्य करना शामिल है। महिलाएं एक दूसरे को उपहार देती है और साथ मिलकर खाना बनाती है। हरतालिका तीज का महत्व और समाज पर प्रभाव जानिए। हरतालिका तीज का भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव है। यह त्योहार महिलाओं को एक साथ लाने और सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाने का काम करता है। यह त्योहार महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। हरतालिका तीज के बारे में कुछ रोचक तथ्य। हरतालिका तीज को कुमारी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं मिट्टी के घड़े में पानी भरकर पूजा करती है। हरतालिका तीज का त्योहार मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। इन बातों का रखे ध्यान। इस व्रत के दौरान काले रंग के वस्त्र भूलकर भी धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ के समय काले वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा श्रृंगार में काले रंग के प्रयोग करने से बचना चाहिए। माँ पार्वती के मंत्र। ओम उमाय नमः भूपार्कयो हरये भूजवतये भूषामये तिजयो। तीज त्योहारों के प्रकार। तीज त्योहारों के तीन मुख्य प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी रीति रिवाज और महत्व है। आइए इन्हें जानते हैं। हरियाली तीज के बारे में सबसे पहले जानते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती है, जो हरियाली का प्रतीक है, और अनुष्ठानों और उत्सवों में भाग लेती है। अब जानते हैं कजरी तीज के संबंध में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला कजरी तीज मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। महिलाएं लोकगीत गाती है, पारंपरिक नृत्य करती है और अपने पति की सलामती के लिए प्रार्थना करती है। हरतालिका तीज के बारे में हमने आपको पूर्व में ही बताया कि यह गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले मनाई जाने वाली हरतालिका तीज में महिलाएं वैवाहिक सुख और खुशहाली की कामना के लिए दिन भर उपवास रखती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव से फिर से मिलने के लिए यह व्रत किया था।